तो जिस डब्बे में आप आचार को देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, जो आचार आप देख रहे हैं ये बड़ा ही खास आचार है। शायद ही ज्यादातर लोगों ने इस आचार के बारे में सुना या देखा होगा। दरअसल ये अगस्त का आचार है, ये फूल से बनाया जाता है। जी हाँ, अगस्त का फूल होता है जिससे इस आचार को बनाया जाता है। बता दें कि अभी हम बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मुख्यालय बेतिया में मौजूद है, जहाँ फैंसी ग्राउंड में मेले का आयोजन हुआ है, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से दुकानदार आए हैं अलग अलग चीजों को लेकर। तो अभी हमारे सामने जिस दुकानदार को आप देख रहे हैं ये कलकत्ता से आए हैं और मुख्य रूप से ये आचार को बेच रहे हैं यहाँ पे। इनके पास बहुत प्रकार के आचार हैं, उसमें सबसे खास जो आचार है वो अगस्त का आचार है। तो आज हम आपको विशेष जानकारी देते हैं कि आखिरकार ये अगस्त का आचार होता क्या है, कैसे बनता है, उसका कीमत क्या होता है। नाम आपका क्या हुआ? नंद किशोर शाह गुप्ता। मेले में कितने समय के लिए आप आए हैं? डेढ़ महीने के लिए आए हैं। तो रहना खाना आप लोग का कहाँ हो रहा है? दुकाने में होता है, रहना खाना सब होता है दुकाने में होता है। अच्छा, तो एक चीज बताइए, इस दुकान का सबसे खास जो आचार है ये अगस्त का ही आचार होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्या इस पे आप बताना चाहेंगे अगस्त के आचार पे? इसमें सर देते हम लोग धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया। प्रोसेस आप बाद में बताइएगा, आप पहले ये बताइए कि ये आचार बनता कैसे। कहने का मतलब कि जो अगस्त आपने नाम रखा है ये अगस्त के फूल से बनता है, तो ये फूल आप लोग कहाँ से लाते हैं, कहाँ ये फलता है, पहले उस पे आप हमें विशेष जानकारी। राजस्थान से आता है, राजस्थान जंगल से आता है। राजस्थान से ये फूल की बात कर रहे हैं आप कि राजस्थान जंगल से आता है? कैसे आप लोग मंगाते हैं, कीमत क्या है इसकी? इसका खेती इसका कच्चा है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो है कच्चा। जी कच्चा। तो आप लोग 100 रुपये किलो के भाव से राजस्थान से इसको मंगाते हैं। चलिए, जब फूल आप मंगा लेते हैं तो उसके बाद आचार उसका कैसे बनाते हैं आप ये जरा बताएं। जैसे हम लोग कच्चे में मसाला वसाला देके सब देके तो इसको बनाते हैं हम लोग, तेल उल देके मसाला वसाला गरम मसाला देके सब कुछ देके बनाते हैं। आप जरा हमें वो प्रोसेस बताइए ना, ताकि घर पे लोग भी देख के उसको बना पाए और टेस्ट कर पाए भाई कि अगस्त का भी आचार होता है। फूल जब आप लोग लेके आते हैं तो कैसे बनाते हैं आप जरा ये बताएं। इसको जैसे हो गया धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, मरीच, गरम मसाला, ये सब देकर बढ़िया से भूज के बनाइए मिश्री पाउडर से। फूल को आप लोग सुखाते भी हैं? सुखाते नहीं हम लोग, हाला के बनता है। हाँ, हाला हाला आता है, हाले के बनता है। मतलब और अचार को बनाने का जो तरीका होता है उससे इसका तरीका अलग होता है क्या? इसको एक आएगा तखंदे बनेगा, आएगा इसको बन चल जाएगा। कीमत क्या है इस अगस्त के आचार की? 300 रुपये किलो, 300 रुपये किलो है। और ये आप लोग हमेशा बेचते हैं इसको? हमेशा हम लोग बराबर बेचते हैं, फिर सोनपुर चल जाएंगे हम लोग। मेले के बाद अगर आपसे अगस्त का आचार लेना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा अपने को? मुजफ्फरपुर, श्रेयागंज, तावर, मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। देखिए बड़ा खास आचार है ये फूल से बनता है, आप देख सकते हैं अगस्त का आचार है। बनाने का जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी तरह से अलग है। 300 रुपये किलो के हिसाब से ये अभी बिक रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में कलकत्ता से कुछ ऐसे दुकानदार आए हैं मेले में शामिल होने, जो विशेष रूप से अचारों को ही बेच रहे हैं और अचारों की लड़ियां लगी हुई है हर एक डब्बे में। कई दर्जन यहाँ पे अचार है, अलग अलग चीजों के, फल, सब्जी, सब के सब यहाँ पे अचार बनाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे खास जो है वो अगस्त के फूल का आचार है।